Get all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. तुम अपने ट्रैक से हटकर अपने शौहर पर फोकस करो। आयरा नाम के ड्रामे का क्लाइमेक्स हो चुका है, इस कहानी में मजीद अपना सर मत कपाओ। हसरत होती है लड़कियों की कि किसी तरह रयान उनसे प्यार से बात कर ले, लेकिन वो जैद से शादी करके आपको क्या समझ। सारा डेटा आ गया हमारे पास, ये देखें। काशमाला, ऐसा कुछ था भी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना हमें। देखो ये जो भी मामला आते हैं ना, हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतना बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, हम समझाएंगे रयान को। बस करते हैं मुबश्रा, बस। इंसान नहीं है वो, आयरा को भी हरास किया है उसने। That's enough, कश्माला, that's enough। बहुत कुछ कह लिया तुमने मेरे बेटे के बारे में, तुम्हें अपना फैसला वापस लेना होगा। मैं अपना फैसला नहीं बदली, मेरी बस हो गई है, आई एम डन। अपने बेटे को समझाओ आसिर, ये बात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेकर जा रही है। अगर कश्माला और रायान का रिश्ता खत्म हुआ तो मुबशरा और जैद का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, और मेरी और तुम्हारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। जैद, रिलैक्स। गुस्से में कह रही है कश्माला ये सब कुछ, कम से कम आप तो इस सिचुएशन को जरा कामली हैंडल करें ना। इसने इल्जाम लगाया तुम्हारे भाई पे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है, मैं अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ। आई हैव प्रूफ। ये देख, ये क्या कह। हसरत होती है लड़कियों की कि किसी तरह रयान उनसे प्यार से बात कर ले। प्लीज हैव अ लुक। वो जैद से शादी करके आपको क्या समझ। आयरा को यहां से उठाकर जमीन पे पटक दिया है, जमीन पे। कुछ भी कहेगा उसको सबूत तो नहीं मानेंगे ना, नशे में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। नशे में बिल्कुल झूठ बोलता है इंसान। सही कहा आपने, नशे में, लेकिन नशे में इंसान सच बोलता है। और आप सबूत लाने को कहा था ना आपने, तो ले आए हम सबूत। और अगर इससे भी आपकी तसल्ली नहीं होती तो और वीडियोस हैं। क्या करने गया था रयान मेरे कमरे में, कोई जवाब है आपके पास? एंड इफ यू रिमेंबर, उस दिन मैंने फोन किया था ना आपको, आपसे पूछा था आयरा कहाँ है बाबा, क्या कहा था आपने? कि वो कहीं गई हुई है। कहीं गई भी? आपका एक एक लफ्ज याद है मुझे। आपने कहा था कि आयरा तुम्हारे जाते ही अपने घर चली गई है जैद। हाँ, तो शायद मैंने यही कुछ कहा होगा, मुझे याद नहीं है।
I don't give attention to झूठ बोला था आपने बाबा, सिर्फ झूठ बोला। तीन मई को रात लेट आयरा अपने कमरे में जाती है और 5 तारीख तक उसकी कोई मूवमेंट किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। 2 दिन तक आयरा अपने कमरे में क्यों थी और क्या करे? कुछ पूछ रहा हूं आपसे बाबा। ये जाकर आयरा से पूछो ना, मैं उसका कोई इजाज़। क्या करने गए थे तुम मेरे कमरे में 3 तारीख की रात को? क्या करने गए थे मेरे कमरे में, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हाँ हाँ, तो कोई चीज रखने गया होगा, उसको कुछ सर्व करने गया होगा। तुम करे क्या हो, जाओ यहां से, जाओ। कोई चीज कुछ सर्व? वेट, मैं आपको बताता हूँ क्या करने गया था। इतना सारा खाना मेरे कमरे में रखने गया था, इतना खाना कि कोई भी एक इंसान एक दिन में नहीं खा सकता। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने आयरा को उसके कमरे में लॉक कर दिया था। दो दिन तक वो अपने कमरे में लॉक रहे, फिर 5 तारीख को ठीक 1:17 पे रियान मेरे कमरे में गया। उसने बहुत आराम से इत्मीनान से लॉक खोला और वो कमरे में दाखिल हुआ और 1:20 पर आयरा कमरे से भागती हुई निकली और रियान उसके पीछे भाग रहा था। और उसके बाद की फुटेज टेम्पर्ड क्यों? व्हाई? ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? किसे बताओ, किसे बताओ? You're creating a scene, is that? You're not in your senses. इस वक्त सारा फोकस हमारा तुम्हारी बहन कश्माला पे होना चाहिए, कश्माला पर। असल इशू इस वक्त तुम नहीं, वो है। हम इसके बाद विवाद कर सकते। प्लीज, यू आर मिक्सिंग द टू थिंग्स। नो, आई एम नॉट सर, आई एम नॉट। हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। क्यों किया सर? इतना झूठ मुझसे बाबा। जैद, जैद, क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर पहुंचेंगे? पूरी नफरी लेकर आया हूं मैं, तुम्हारी इज्जत ना जाए इसलिए अकेला आया हूं। विजय, विजय, कंप्लेन है मेरे पास। विजय, विजय, क्या इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? जरा बैठ के बात कर सकते हैं? मिस्टर रेहान जाफर, अरे आसमान आसको देखिए, आप तो कह रहे थे कि आसिफ कान में आने ले रही थी। एक सेकंड, देखो हम अंदर चल के बात करते हैं, हमारा फैमिली में। जाफर बताओ, ये हमारा फायदा नहीं मसला है। मॉल स्टेशन ठीक है, और अपनी वाइफ पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर? लेके चल इसको। ये तो फैमिली मैटर है, क्या लोग मुझे लेके जाओगे? तुम बच्चा को भी लेके जाओ, क्योंकि इस सब में ये भी इन्वॉल्व है। क्या झूठ बोल रहा है?
ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। मैं सच बोल रहा हूँ, इस सब में तुम भी इन्वॉल्व हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। झूठ बोल रहा है रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मेरा सुकून मैं हूँ, जिद भी जुनून मैं हूँ, हर आरज़ू मैं हूँ, नहीं मुझको जरूरत तेरी। डैड। हाँ कश्मान, इस They're with you, okay? Everything's okay. I wanted to say thank you for everything that you've done for me and Zed. लेकिन मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। साथ में चीखना चाहती, मैं चलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अब ये सब बहुत पॉइंटलेस है। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, इसके बाद आपकी बेटी की खामोशी आपकी सबसे बड़ी सजा होगी। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं आपके गलत फैसलों का बर्डन और नहीं दे सकती। डर कश्माला, कश्माला वेट प्लीज, कश्माला बात करने आया हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। ऐसे अपना घर छोड़ के कौन आता आयरा? ऐसे अपनी बीवी को बेआसरा छोड़ के कौन जाता? हाँ तो ठीक है, लड़ो इस पे, हक है तुम्हारा। हक? हक समझती थी मैं, इसलिए तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुमने कौन सा सुन लिया? तुमने तो उल्टा मुझसे ही सवाल कर डाला। सवाल ही तो किया था। अगर ये सारा मसला ही अगर का है, ये अगर ही एतबार का खून कर डालता है। अगर एक छोटा सा लफ्ज है
उस पे तुम मेरी नीयत पे शक नहीं कर सकती आयरा। एतबार भी एक छोटा सा लफ्ज है, कहने को तो ये लफ्ज बहुत ताकतवर है लेकिन बहुत कमजोर भी है। इस एतबार के भरोसे ही मैंने उस घर में कदम रखा था, हालांकि मैं जानती थी वहां पे कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला, मगर फिर भी मैंने तुमसे निकाह किया, तुमसे शादी की। मैं तुम्हें बताती रही कि तुम्हारा बाप मुबशरा रियान क्या कुछ करते हैं। है भी तुम पर एतबार था मुझे, इसीलिए मैं वहां रही। बस आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैं भी एक बहुत छोटा सा लफ्ज है मगर ये इंसान को बहुत जालिम बना देता। तुम्हारे बाप की मैं, मुबशरा की मैं, तुम्हारी मैं, तुम्हारी फैमिली की मैं। तुम्हारे बाप ने अपनी मैं में तुम्हें आग कर दिया। मुबशरा जाफर अपनी मैं में कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद से गुजर सकती है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता एतबार पे कायम था, मेरी पूरी जिंदगी उस एतबार पे कायम थी। मगर सैन, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए एक बार नहीं कई बार बेएतबारी देखी, कई बार। जब निकाह के वक्त मैंने 5 करोड़ मांगे तब मैंने तुम्हारी बेएतबारी का सामना किया। 100 सवाल पूछे तुम नकी हो कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था। तुम्हारा चेक मैंने कैश नहीं करवाया, वैसे का वैसे ही है, डोंट वरी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसे की वजह से मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी दौलत के लिए मैं तुम्हारे पीछे भाग रही थी? तुम्हारी खातिर मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तब भाई, तब घर, जो सारे रिश्ते। क्या समझते हो तुम? तुम्हारी दौलत के पीछे भागती थी मैं। जब मैंने मुबशरा से कमरा मांगा तब भी तुमने मुझ पर एतबार नहीं की, क्यों? इस छोटे से लफ्ज एतबार ने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया, मेरा मान तोड़ डाला। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। ये छोटा सा घर है लेकिन यहाँ पे सुकून है, मेरी इज्जत महफूज है, मुझे किसी जानवर का डर नहीं है यहाँ। शायद तुम ये रिश्ता अब चला पाओ लेकिन मैं नहीं चला सकती, क्योंकि मुझे अपनी जात के कटहरे में रहना पसंद नहीं है। मजीद कोई सफाई नहीं दूंगी अपनी मैं। बस मैं इतना कहूंगी कि जैद नाम के किसी लड़के से मैंने कभी मोहब्बत की थी, बेलास मोहब्बत। मगर जिस दिन मेरा भाई मरा था वो मोहब्बत भी मर गई थी। अगर कुछ था हमारे बीच तो वो एतबार था। उस एतबार के भरोसे मैंने तुमसे निकाह किया, तुमसे शादी की, उस घर में गई तुम्हारी खातिर।
है डिपॉजिट स्लिप, तुम्हारे वो 5 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए मैं। अब वापस मत आना यहाँ पे जैद। क्योंकि यहाँ वो आयरा नहीं मिलेगी जिसने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। चांद की तरह खड़ा किया है, खुदा हाफिज। हमेशा सिर्फ तेरी ही खुशी से राबता रखा है, हमेशा फिर मेरी आँखों में बरसात क्यों देखूं, मेरा नहीं है मैं वो ख्वाब क्यों देखूं, तन्हा मैं ही तेरी राह क्यों देखूं, कह दे जरा कुछ भी नहीं। जिस राह से उस राह से वो जो जानते अना की इस जंग में एक अजीब सी बात क्या हुई, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई जहर। मैं अपनों को अपनों में ही तलाश कर रहा हूँ, मैं थक भी रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ। खुद से तो कोई उम्मीद नहीं मुझे, लेकिन उम्मीदों पे पूरा उतर रहा हूँ। मेरे पास दिल है, दिमाग है और कुछ टूटे आधे अधूरे से एहसास भी है। मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ और बिखर रहा हूं। मुझमें मैं भी किधर रहा हूं। अब मेरी आंखें नम नहीं होती, लेकिन इनमें तकलीफ भी कम नहीं होती। सारी लड़ाई मैं की है और मुझमें मैं ही कम नहीं होती। सेहत, मैं तुमसे आज कुछ कन्फेस करने आई हूं। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा बहुत कामयाब रही हूं, दुनिया मेरे कदमों के नीचे रही है, बस सिर्फ एक बात का खौफ रहा है मुझे, फेलियर का। जब मोहित ने मुझे डिवोर्स दी, पहली बार मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा था। ये सच है कि तुमसे शादी सिर्फ मैंने दुनिया को दिखाने के लिए की थी कि आई एम नॉट अ फेलियर, मैं भी शादी के रिश्ते को चला सकती हूँ। और उसके लिए मैंने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज किया। तुम्हारा रवैया, आयरा से शादी, सब कुछ था,
मुझे लगता था आयरा को तुम्हारे करीब ले आऊंगी तो तुम शायद तंग आकर उसे छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन सारे मामलों में तुम्हें मैंने एक ट्रू जेंटलमैन पाया। मैं जानती हूं मैं तुम्हारी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे इज्जत दी। कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मुझमें और आयरा में कोई फर्क है। मुझे लगता था आयरा से शादी हो जाएगी तो शायद तुम मुझे छोड़ दोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम जानते हो अना की इस जंग में एक अजीब सी बात क्या हुई? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई सहत। पहले मुझे ये डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो दुनिया क्या कहेगी, लेकिन आज डरती हूं तुमने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी सहत। रेहान की वजह से हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, मैं जानती हूं तुम्हें मेरी किसी बात पर एतबार नहीं होगा, फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी। आयरा और मेरे दरमियान जो भी अख्तलाफात हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी औरत की इज्जत का पामाल करने के बारे में नहीं सोच सकती, ना आज ना कल ना कभी और। मेरी बस आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझे कभी तलाक मत देना। बहुत डर लगता है मुझे। दिल पे गुजरी क्या क्या हम क्या करें। बाकी पेपर्स हैं, बस मेरी महक को टूटने मत देना सर। खुशियों की चाह में मैं बस मैं हूं और तुम हो सिर्फ तुम। दिल से दिल के किसे अब से खत्म, सभी मेरा सुकून मैं हूं, जिद भी जुनून मैं हूं, हर आरज़ू को जरूरत तेरी। हम गुजरे गम गुजरे जिस राह से उस राह से, तेरी वफा गम गुजरे जिस राह से उस राह। तीन मई को रात लेट आयरा अपने कमरे में जाती है और 5 तारीख तक उसकी कोई मूवमेंट किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। 2 दिन तक आयरा अपने कमरे में क्यों थी और क्या कर रही? कुछ पूछ रहा हूं आपसे बाबा। क्यों किया इतना छूट मुझसे?
रिजाज, रिजाज। सर बाकी प्लेटें कहाँ हैं? जाओ जाके सैदर कश। टाइल पहना कर देखो, मैंने आज टाइल पहनी थी। लड़ लेते ना यार, नाश हो जाते ना। पहले भी तो होते थे। मेरे पाप पाप को छोड़ दिया था। रिजाज, जी सर, नाश्ता किया तुमने? जी नाश्ता किया तुमने? बैठो। ये लो, थका हुए खाओ। लो प्लीज। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? अम्मी है, अब्बू है, छोटी बहन है और छोटा भाई है। सब सब साथ रहते? जी सब साथ रहते हैं। तुम्हारा वालिद
बहुत खुशकिस्मत इंसान है। क्या हम क्या कहें, पाए हैं गम खुशियों की चाह में। मैं हूं और तुम हो सिर्फ तुम। दिल से दिल के से अब से खत्म सभी मेरा। काश बस यही कम, पर हमें यहां से कहीं ना जाना पड़े। सारी जिंदगी गुजार सकते हैं तुम्हारे साथ में यहां। नहीं मुझको जरूरत तेरी। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ। ध्यान से ओ शिट, टूट गई है। उतार दो। फर्क है वो बहुत बारीक है। खुद ही अपनी मैं को मार कर आगे बढ़ जाने का नाम है, और अदा अपनी मैं का गुलाम होकर मिट जाना है। खुद ही इंसान को आजिज बनाती है, अपनी गलतियों से सीखने का हौसला देती है। सारा गरूर और तकब्बुर की ऐसी दौड़ में शामिल करती है जहां इंसान अपनी मैं की खातिर सब कुछ बर्बाद कर देता है, जिंदगी, रिश्ते, एहसास, खुद अपना आप भी। मैं हूँ से मैं था तक का सफर इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो अपनी मैं में घाटे का सौदा करता है। उस राह से
Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.